हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। कंगाल पाकिस्तान इन दिनों बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। लोगों के पास खाने को नहीं है, आटे के लिए लोग मरने मारने को तैयार हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और सेना हमेशा की तरह बेबस दिखाई दे रही है। पाकिस्तान दुनिया के आगे कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की नौबत ये है कि जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है यानी भारत को, उसे लेकर पाकिस्तान का रुख बेहद नरम दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की मीडिया भारत और पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रही है, और तो और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी भारत से दोस्ती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पीएम शहबाज शरीफ ने पश्चिमी एशिया के प्रमुख मीडिया संस्थानों में से एक अल अरेबिया को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को लेकर कई सवाल के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से तीन जंगों में देश ने सबक सीख लिया है, अब हम शांति चाहते हैं। उन्होंने चैनल के माध्यम से ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की अपील की है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के इस बयान से जाहिर है कि अक्सर भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को मौजूदा आर्थिक हालातों ने बेहद कमजोर कर दिया है। पाकिस्तान की मीडिया ने भी पहली बार भारत की खुलकर तारीफ करते हुए उसे ताकतवर देश बताया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ऐसे वक्त में जब यूक्रेन के मुद्दे को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने हैं, तब यही दोनों देश भारत के साथ खड़े हैं। ये भारत की बेहतरीन डिप्लोमेसी भी है। आम तौर पर भारत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रुख नेगेटिव ही रहता है, लिहाजा इतने खुले अंदाज में वहाँ की मीडिया में भारत की तारीफ बड़ी बात है। पाकिस्तान के बड़े अंग्रेजी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पिछले दिनों एक लेख में वहाँ के बड़े पॉलिटिकल सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट शहजाद चौधरी ने लिखा था, भारत इस वक्त दुनिया के लिए एक अहम देश है। वो बहुत बड़ा और ताकतवर देश है। दुनिया में आप कहीं चले जाइए, वहाँ आपको भारत की छाप जरूर मिलेगी। भारत आज ग्लोबल पावर बन गया है, वहाँ का लोकतंत्र भी शानदार है। पाकिस्तान को अब भारत के बारे में अपनी पॉलिसी पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इतिहास में हम जो कर चुके हैं उसका कोई फायदा पाकिस्तान को कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, उन सब के बीच भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर चर्चा हो रही है। वहाँ के पत्रकारों से लेकर कई राजनेता पाकिस्तान को भारत से सबक लेने की नसीहत दे रहे हैं। पाकिस्तान में इन दिनों सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में नरेंद्र मोदी कहते दिख रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मजबूर कर दिया है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है वो पीएम मोदी की इस बात पर सटीक बैठती है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अलग अलग देशों से मदद मांगते फिर रहे हैं। इन सब के बीच पीएम मोदी का वीडियो शेयर कर लोग मौजूदा सरकार को भी कोसते दिख रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार इरशाद भाटी ने वीडियो शेयर करते हुए यहाँ तक लिखा है कि जब दुश्मन मजाक उड़ाए और आदर ना करे तो जिंदा रहने से ज्यादा अच्छा मर जाना होता है। बता दें कि इससे पहले पिछले दिनों जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अमेरिका गए थे और वहां उन्हें अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलने का समय नहीं मिला था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान में भारत से सबक लेने की बात हो रही थी। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान को भारत और यहाँ के विदेश मंत्री जयशंकर से सबक लेने की नसीहत दी थी। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।